ये ना सबसे पहले ना आप लोगों ने ये जो आगाही जो है ना पोर्टल है इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह लिखना है। मैंने ये सारा कुछ पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं लिख के इसको लॉगिन कर दूंगा। ये कुछ देर बाद ये मतलब कि भी ओपन हो जाएगी, ये साइट ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप में कर लेना है। डेस्कटॉप में करने के बाद ये, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी ओपन था तो इसलिए मेरा वो मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद आपने ये साइट के ऊपर आपको 3 डॉट नज़र एरो हेड नज़र आ रहा होगा, इस एरो हेड पे क्लिक करना है तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर ना 2 कोड शोर है, देखो 6601 है ना, ये 23167ODL820 लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ये आगे ओपन हो गया। यहाँ पर देखें नीचे वर्कशॉप जो है ना इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ने शेड्यूल शो नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, इसको आपने दोबारा बैक आ जाना है। दोबारा बैक आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है 6601, यहाँ पर G4611 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने ये क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके ये वर्कशॉप भी शेड्यूल है ना, ये शो होना शुरू हो जाएगा। जब वर्कशॉप का टाइम होगा ना 3:15 बजे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये अभी ओपन हो जाएगी, अभी ये लोडिंग हो रही है। तो फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दिस कॉन्फ्रेंस इज़ नॉट स्टार्टेड, ज्वाइन ओपन थर्सडे 1 सितंबर 2020 3:30 PM, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये शुरू होगा और 4:45 पे क्लोज हो जाएगा। तो वो आपने ना यहाँ पर आ जाएगा ज्वाइन सेशन, तो फिर आपने ना यहाँ पे क्लिक कर देना तो आपकी क्लास हो जाएगी। अभी क्लास क्योंकि नहीं हो रही तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है, इसलिए हम इसको फिर हम वापसी बैक आ जाते हैं। इसी तरीके से जिसके साथ जी लिखा हुआ होगा ना तो उसी की क्या होगी, आपकी क्लास शो होगी। अब देखिए 6601 पे मैंने क्लिक किया था, इसके बाद मैं 6602 पे क्लिक करूँगा G1190 के ऊपर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इसके ऊपर ये क्लास टाइमिंग शो होगी 6:45 PM के ऊपर। तो इसी पर अभी से क्लिक करेंगे तो आगे सारा टाइम एंड डेट आ जाएगी। फिर इस तरह फिर बैक आ जाएंगे, फिर हम 6606 पे क्लिक करेंगे जिसके साथ जी लिखा हुआ होगा, G4855, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी, यहाँ पर देखें 8:30 बजे की टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपने क्या करना है, ओपन करना है साइट को, और इस तरीके से करना है जिसके साथ जी लिखा हुआ होगा उसके साथ आपने उसको ओपन करना है, फिर जाके आपके क्लास टाइमिंग वगैरह शो होगी। अगर आप सिंपल वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे ये 6606 है उसके साथ ये लिखा हुआ 23160ODL, इसके ऊपर देखें यहाँ पर ये टाइमिंग शो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो टाइमिंग तब शो होगी इसके साथ जी लिखा हुआ होगा उसका। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।